Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. अभी हम लोग वृंदावन करते हुए महाप्रभु जी बैठक स्थल पर पहुंचे। तो ये बड़ी सौभाग्य है कि एकादशी तिथि और रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि महामहोत्सव हम लोग पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वृंदावन में ये धाम है, ये बड़ी विचित्रता, बड़ी अद्भुत है और भजन के लिए बड़े अनुकूल है कि यहाँ पर आने से वृंदावन धाम का परिक्रमा होती है और विशेष रूप से भक्तों का, वैष्णव का दर्शन हो जाती है। उससे बढ़कर का बहुत बड़ी चीज है, क्या हो सकता। तो ये महाप्रभु की कृपा से जब ये शरीर की बड़ी साधन की एक मूल एक उत्सव है जो कि परिक्रमा होती है, वृंदावन की परिक्रमा हम लोग करते हैं। जैसा महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी पाद जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए थे तब अशुद्ध पानी और खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं होने के कारण शरीर में पंडु रोग हो गया और पंडु इतना ज्यादा हुआ उसमें क्लेद आ गया, रस आ गया, खुजली हो गया और इसमें इतना खुजली हुआ कि उसमें रस भी आ गया, क्लेद आ गया। तो जब उन्होंने गए तो सोच रहे थे जाकर के करूंगा क्या, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ में मुस्लिम के साथ रहकर सेवा करने कारण जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो जाकर के जगन्नाथ जी रथ यात्रा में बाहर आएंगे तो दर्शन करूंगा और उस रथ यात्रा में महाप्रभु के सामने शरीर को त्याग कर देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु लोग प्रजा क्षेत्र को दर्शन करने के लिए जाते थे, समुद्र दर्शन करके गंभीरा में लौटते थे। तब जो उन्होंने हरदास शक्ति को प्रणाम किया और सनातन गोस्वामी पाद हरदास शक्ति ने बोला कि महाप्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद को दर्शन करके, सनातन गोस्वामी पाद को देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ने लगा पास में जाने बुलाए सनातन को। सनातन गोस्वामी पाद बोले महाप्रभु हमको स्पर्श मत कीजिए, ये पामर अधम शरीर है और मैं आपको दूर से प्रणाम करता हूँ। लेकिन महाप्रभु भक्तवत्सल थे तो जा करके जोर से उनको आलिंगन किए और महाप्रभु की श्रीअंग में सारी गुजली का रस लग गया। सनातन गोस्वामी पाद बड़े दुखी हुए लेकिन उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद की मन की भावना को पता लग गया कि सनातन सोचते हैं कि जगन्नाथपुरी में रथ की पहिया के नीचे अगर जीवन दे दे तो परम पुरुषार्थ हो जाएगा और उसी धाम में चला जाएंगे। लेकिन महाप्रभु बोले सनातन ये शरीर छोड़ने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होता है, शरीर त्याग करने से। तब तो मैं एक क्षण में 100 बार शरीर छोड़ सकता हूँ लेकिन कृष्ण भजन करने से, भजन करने से ही कृष्ण प्राप्ति होती है। तो हम लोग जो परिक्रमा करते हैं ये परिक्रमा की बहुत बड़ा भजन की एक वैष्णव के संग में वृंदावन धाम में परिक्रमा करना, वृंदावन धाम की ये भक्ति साधन का एक बहुत बड़ा अंग है क्योंकि इसमें वैष्णव की दर्शन हो जाती है, वृंदावन धाम की कृपा मिलती है, राधारणी विशेष करके राधारणी की कृपा भी प्राप्त होती है और वैष्णव का दर्शन और वैष्णव का संग से कथा भी सुनने के लिए सुयोग मिल जाता है। तो उससे बढ़कर के बहुत बड़ी साधन और क्या हो सकता है। तो हम लोग बड़ी वैष्णव की और गुरुदेव की कृपा से विशेष करके राधारणी की कृपा से वृंदावन धाम में आए और हम लोग रूप गोस्वामी पाद की तिथि मनाने के लिए आए और अभी एकादशी तिथि और उसमें परिक्रमा वैष्णव के साथ में बहुत बड़ी कृपा है। परिक्रमा करते हैं तीन तरह का परिक्रमा होता है, कितने तरह का परिक्रमा होता है। साधारण लोगों को जैसे जो परिक्रमा लोग करते हैं, क्यों परिक्रमा करते हैं, जैसे बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी हो जाए, अभी बेटा का नौकरी नहीं लगा है, अभी बेटा का नौकरी लग जाए, हमारे घर में ये अमंगल है, ये अमंगल दूर हो जाए, अक्सर करके सबको पूछोगे ना
परिक्रमा इसीलिए करते हैं। प्राय करके 99% लोग इसी भाव से साधारण लोग परिक्रमा कर रहे हैं, घर का दुख कष्ट हमारी दूर हो जाए। कहते ये एक तरह का परिक्रमा है कि जो धाम है ये कल्प तरु है, ये धाम कल्प तरु है। मतलब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामयी प्रकट सत्मा सुकल्प वृक्ष, वृंदावन का जो धाम है जो वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष है, और यहाँ का जो धूल नहीं वो चिंतामयी। चिंतामयी मतलब क्या, जो मांगो वही हो जाएगी। ये साधारण लोग करने पर काम अपने आप दे देते हैं, काम अपने आप दे देते हैं। लेकिन दूसरे तरह का जो लोग परिक्रमा करते हैं, पहला तरह का लोग से हो गया संसार की इच्छा, दूसरे तरह का परिक्रमा लोग करते हैं भाई अगर परिक्रमा करेंगे ये भगवान का धाम है, ठाकुर जी का ये धाम है, इसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर भगवान ने लीला नहीं की, जहाँ से हम परिक्रमा किए वो स्थान कहाँ पर, पहले तो हमें पान गाली मान गली, मान गली कुंज गली और यमुना गली, हमारा जो गली है ना वो दान गली है, जहाँ पर कृष्ण खड़े होकर के गोपियों से दूध दही की दान माना करते थे, तो दान गली मान गली राधा रानी मान करके मान सरोवर चली गली, यमुना गली गोपियां जहाँ पर पानी भरने यमुना जाते थे, इसलिए हम जहाँ से परिक्रमा की। और थोड़ी दूर जाओ इमी इतना देखा है ना, जहाँ पर कृष्णा बैठ करके राधा रानी की चिंता करते 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 कृष्ण वो गौर रूप धारण महाप्रभु का रूप धारण कर लिया था, गौर रंग धारण कर लिया था। और थोड़ी दूर में आए गैसी घाट देखे हो, चीर घाट देखे कृष्ण जहाँ पर चीर चुराया, उसका आगे झाड़ू मंडल जहाँ पर श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी की चरण की नुपुर प्राप्त की, आगे गए गैसी तीर्थ घाट देखा। इसलिए हम जब परिक्रमा कर रहे हैं कि दूसरे दूसरे स्थान पर भगवत स्मरण होना बहुत कठिन है। फरीदाबाद में दिल्ली में भगवान का चिंतन होगा, लेकिन यहाँ पर आओ ऐसे कोई स्थान ही नहीं जहाँ पर भगवान लीला नहीं। यहाँ पर क्या किया कृष्णा, जो की जो स्थान है कृष्ण यहाँ पर क्या करते थे, बोले यहाँ पर नौका विलास स्थली है, यहीं पर कृष्णा जब गोपियां दूध दही लेकर के आती थी बोलती भैया हमें कोई यमुना पार करा दोगे, कृष्णा टूटे फूटे नाव लेकर आ जाते थे, बोले मैं पार करा दूंगा, और गोपियों को नाव में बैठा लेते थे और बीच यमुना में लेकर के बोले भैया मेरा नाव तो बड़ा पुरानी है और मेरा जो नाव है ना एक मणि धो सकता है, ज्यादा उसमें धो नहीं सकता है और तुम लोग तो इतने सारे बैठ गए। लेकिन सब गोपियां कृष्ण का मन की भावना समझते हैं। ललिता कहती है तुमको पहले से क्यों पता नहीं दिया तुम्हारा नाव चार मणि की है, इसको तो ये ढाई मणि की है, देखो इतने सारे गोपियां हैं लेकिन तू कहते हो तेरे नाव एक मणि दो सकता, मतलब क्या, कृष्ण कहते हैं जब एक मन से मेरे भजन करोगे ना तो भव सागर से तुमको पार कर दो, नहीं तो संसार से पार नहीं हो सकते हो। लेकिन ये गोपियां कृष्ण की मन की भावना समझती है, तब कहती है देखो कन्हैया देखने पर तो हम इतने सारी गोपी है लेकिन हमारा जो मन है ना एक मन है, एक मन मतलब एक मन मतलब एक मन, हमारी मन तेरे सिवाय और किसका, हमारी मन चिंता नहीं करता, हमारे मन में तू ही बैठे हो, हमारे मन में तो और कोई बैठे ही नहीं। कृष्ण कहते फिर भैया फिर तो नाव को पार करा दूंगा। यहीं पर कृष्ण नौका विलास लीला कृष्ण नहीं करते थे, थोड़ी दूर आगे उसका नाम पानी घाट है, पानी घाट मतलब क्या है, एक समय ब्रज गोपियां दूध दही लड्डू कचौड़ी लेकर के यमुना का उस पर में, हमारा जो दुर्वासा मंदिर है ना, अपना जो मंदिर है गुरु जी ने स्थापन किया वो दुर्वासा की गुरु है सबका, इसलिए एक समय ये ब्रज गोपियां सब बढ़िया लड्डू कचौड़ी मालपुआ अभी लेकर के दुर्वासा ऋषि के लिए जा रहे हैं। अभी कृष्ण से पूछे ये बताओ यहाँ भी यमुना नदी कैसे पार करेंगे, उसमें लपा लो पानी भर लो, भले यमुना को बोल देना अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है ना करते यमुना अपने आप रास्ता दे दे। गोपियां आकर के बोले अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो यमुने हमें स्थान दे दो, हमें रास्ता दे दो, यमुना दो साइड हो और गोपियां पार होकर के चली गई। अभी गए दुर्वासा जी को लड्डू कचौड़ी मालपुआ खूब खिलाए, दुर्वासा सबके समझाए, अभी दुर्वासा जी को पूछे अभी ये बताओ अभी यमुना नदी कैसे पार करेगी, कृष्ण को तो ब्रह्मचारी बोलकर पार हो गई, अभी ये यमुना कैसे पार करेगी, तो बोले एक काम करना यमुना को बोलना दुर्वासा अगर कुछ खाना नहीं खाए हमें रास्ता दे दो, बोले भैया गुरु जैसे चले भी वैसे,
भी रहते कृष्ण ब्रह्मचारी हमारे बगल रहता नहीं, 100 करोड़ गोपियों के साथ में रास किया कृष्ण ब्रह्मचारी हो गए। अरे हम देखते देखते लड्डू कचड़ी मालपुआ सबके तुम खा लिए, अरे कहते हमने कुछ खाया नहीं, ये तो चक्कर में पड़ गई गोपियां। बोले भैया इसका मतलब क्या? पर श्री दुर्वासा जी उनको समझाए, कहते वैष्णव लोग खाना नहीं खाते, हम खाना नहीं खाते, हम क्या करते हैं प्रसाद सेवा करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं, इसलिए कहते वैष्णव लोग खाना नहीं खाते हैं, खाना खाते हैं तो विषयी लोग खाना खाते हैं, जो भगवान के भोग लगाए वगैरह खाना खाते हैं, लेकिन वैष्णव लोग ठाकुर को पहले भोग लगाते हैं, इसलिए हम खाना खाना नहीं बोलते, क्या कहते प्रसाद सेवा, हमने प्रसाद सेवा कर रहे हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। अरे वैष्णव लोग सब कुछ करते हुए भी उनको किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं, और भगवान ब्रह्मचारी कैसे, भगवान सब कुछ करते हुए भी वो निर्लिप्त है, इससे वो ऊपर है भगवान, भगवान किसी माया में नहीं, माया जिनकी माया है, माया जिनके अधीन में है, इसलिए यहीं पर पास में हम अब जाएंगे। एक दिन कंसर सोच रहा है भैया जिन जिनियों को राक्षस को भेजा सबके सब तो ठीक हांकते गए, लेकिन कोई जब वापस नहीं आए, कोई भी वापस अभी तक नहीं आए, जब दो चार दैत्य को कंस भेजा, पहले पुतना भेजा, सगटासुर भेजा, उन्होंने त्रिणावर्त भेजा, लेकिन आए तो सबके कृष्ण सब पछाड़ दिए। एक दिन कंस सोचा भैया मैंने सुना कृष्ण बड़े छोटा सा बच्चा है, और इतना बड़ा बच्चा इतने बड़े दैत्य को पछाड़ दिया, अभी मैं खुद जाकर उसको मार दिखाता। एक दिन कंस ने किया कि कोशिश किया वृंदावन में आने के लिए, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने कोशिश किया, लेकिन जो वृंदावन धाम ये योग माया के द्वारा रक्षित है, ये योग माया के इच्छा के बगैर कोई धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इतने में कृष्ण जब कंस ने प्रवेश किया ना, प्रवेश करते ही कंस वहां पर योग माया थी, इतने में योग माया ने क्या किया, रे कहां जा रहे हो, इधर आओ, उसको चोटी को पकड़े और एक कुएं में उसको डुबा दिया, डुबा देते ही जो कंस था एकदम डोगरी बन गई, 100 साल की डोगरी बन गई, सारे केश सफेद हो गई और आंख में अंधी हो गई और एकदम बूढ़ी बन गई। बोले यहाँ पर कंडा, उसको कंडा पीड़ने में लगा दिया उसको। अभी कंस अपने आप को देखा, देखा भैया मेरे डोगरी बन गई, सारे केश सफेद हो गया, चमड़ी पीली हो गई, आंख में दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर मैं इसी रूप लेकर मथुरा जाऊंगा ना, मेरे को कोई पहचान नहीं का नहीं। बोले यहीं पर कंडे पीड़ते रहो, अभी वो कंडा पीड़ते रहे और जा नहीं पाई यहाँ से। इतने में जोग माया ने देखा अगर कंस इधर रह जाएगा ना, पर प्रभु का लीला होना कठिन है, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तक देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य लीला पूछती जाए। मतलब क्या, जिन जिनियों को हम देखते हैं भगवान की ये शत्रु है, आप दूसरे रूप में देखोगे ना कि भगवान की मित्र है। अब तब कंस नहीं होता तो कृष्ण लीला होता, रावण नहीं होता तो रामलीला होता ही नहीं, इसलिए देखने के लिए लगता है ये शत्रु है, लेकिन दूसरे तरफ में देखोगे वो शत्रु नहीं, भगवान की लीला को मत करने वाली। इसलिए योग माया ने देखा अगर कंस अगर यहाँ पर रह गया प्रभु का लीला ही नहीं होगी, अभी तो कृष्ण को मथुरा जाना, फिर द्वारका जाना, ये लीला कैसे होगा। इतने में कंस को बोले, बोले इधर आओ, आए हुए, बोले नहीं आओ, फिर कान पकड़ो, कंस कान पकड़ कर उठ बैठ कर ऐसे एक बार उठ बैठ करवाया, फिर उनको कुआं में डुबकी लगाया तो फिर इन्होंने कंस हो गया, बोले और आना नहीं, बोले नहीं आज जोड़ता और नहीं आऊंगा। इसलिए कंस गया तो फिर मोड़ कर कभी देखा नहीं। इसलिए यहाँ प्रश्न होता है ना, जब कंस इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा प्रतापी था, और वृंदावन पास में मथुरा इतना दूर है, मथुरा वृंदावन के पास एक रेखा है, तो वो आया नहीं क्यों, वो इसलिए नहीं आया, आने पर फिर हमें डोकरी नहीं बनाती, इसलिए वो यहाँ भूख से देखा नहीं। इसलिए कहते जो परिक्रमा करते हैं, अब जहाँ जाओ भगवान की स्मरण और कुछ नहीं, महाप्रभु यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर ये लीला हुई थी, यहाँ पर गोरा ताऊ जी है, राधा रानी ताऊ जी बन करके मिलने के लिए आए थे श्याम सुंदर से, यहाँ पर अटला चुंगी है, अटला चुंगी मतलब क्या है, अटल मतलब अटल बिहारी, वहाँ पर अटल बिहारी है, एक दीप श्री राधा रानी कृष्ण बोले हम यहाँ पर मिलेंगे। इतने में कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते भूल गए, इतने में राधा रानी ने देखा कृष्ण बोले थे आएंगे, अभी तक क्यों नहीं आए। इतने में राधा रानी दाऊ जी का रूप धारण करते हुए आए, और कृष्ण जब देखा अरे मैं तो भूल गया राधा रानी के साथ में मिलने के लिए जाना,
वहां पर कृष्ण अटल या अटल अटला चुंगी है ना, अटला चुंगी मतलब क्या, कृष्ण राधा रानी को देखते ही अटल, अटल मतलब गिर डोल नानी एक जगह पर एकदम कृष्ण ऐसे ऊपर खड़े हो गए, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया अटला चुंगी नाम पड़ गया। इसलिए यहाँ पर ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर भगवान ने लीला नहीं की है, इसलिए परिक्रमा करने पर क्या होता है भगवान की सारे लीला स्थलियों की स्मरण हो जाता है। और ये परिक्रमा करने के साथ एकादशी है, भगवान के धाम को परिक्रमा करने से हमारी सुकृति बनती है, हमारी भक्ति दूसरी सुकृति का दूसरे तरह का, तीसरे तरह का जो भक्त है ना वो कौन है, हम लोग भावुक भक्त है। जब वो परिक्रमा करते हैं साक्षात उनको भगवान का दर्शन होता है, जैसे श्री सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा कर रहे थे उन्होंने क्या देखा, गोवर्धन परिक्रमा करते करते राधा कुंड में आए तो देखा सुंदर कदम का वृक्ष में, जी बारिश हो रही है, कदम का वृक्ष में झूला डाला हुआ और राधा रानी बीच में बैठी हुई और सखियां उनको झूला में उनको झूला झूला रहे। सनातन गोस्वामी डायरेक्ट उन्होंने लीला को दर्शन किया। इसलिए जो प्रेमी की भक्त जो भावुक भक्त है वो हर जगह में क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं को उनका दर्शन होता है, उनकी लीलाओं की दर्शन करते हैं। इसलिए परिक्रमा की बहुत सारी तात्पर्य है। और यहीं पर श्री मुरारी गुप्त महाप्रभु का जो परिकर, यहीं पर श्री जगन्नाथ जी को यहीं पर उन्होंने पूजा करते थे। ये मुरारी गुप्त पूर्व जन्म में हनुमान जी थे, ये कौन थे, श्री हनुमत लाल थे हैं। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए महाप्रभु लीला में श्री मुरारी गुप्त बन करके आए और उन्होंने महाप्रभु लीला में उन्होंने वदन किए। और चैतन्य महाप्रभु भी जब वृंदावन धाम आए थे महाप्रभु ने परिक्रमा लगाई, चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा लगाए, परिक्रमा करते करते महाप्रभु इसी वृक्ष को नीचे महाप्रभु यहीं पर बैठे हुए, इसलिए इसको विश्राम बट कहते, विश्राम बट है, महाप्रभु यहीं पर बैठ करके भाव में वही वृंदावन की जो लीलाओं को स्मरण करते करते महाप्रभु उसमें डूब जाते थे। इसलिए ये स्थली भगवान की संपूर्ण लीलाओं को द्वारा यहाँ पर ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण का राधा रानी की और गोपियों की सखाओं की जहाँ पर चरण धुरी नहीं पड़ा हुआ, ये स्थान पूरा उनके चरण से अभिषिक्त है, जिनकी एक चरण धुरी को ब्रह्मा उद्धव नारद भी जिनकी एक चरण धुरी के लिए वंदना करते हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हम सबके सब श्री परिक्रमा करने के लिए आए, ठीक है। गणिताई गौर सचिनंदन गौर एकादशी तिथि की गौर प्रेमानंद।